हेलो दोस्तों, नमस्ते। पूनम सोसाइटी 24 में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लाल चना यानी काला चना, जो भी नाम से आप पुकारें। इस चने का सब्ज़ी आज हम बनाने जा रहे हैं और बहुत ही यूनिक तरीके से, अलग तरीके से बनाएंगे, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। और आज हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं इस रेसिपी को। चलिए शुरू करते हैं बनाना। लाल चने की सब्ज़ी बनाने के लिए आज हम बना रहे हैं, देखिए बहुत ही झटपट सी ये सब्ज़ी बनने वाला है। इसे हम काला चना भी कहते हैं। तो आज हम बहुत जल्दी में ये सब्ज़ी बनाएंगे, कोई झंझट नहीं करेंगे, ना फ्राई करेंगे ना कुछ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए, ये लाल चना हम ले लिए हैं, इसे हम रात भर भिंगो के रख दिए थे ओवरनाइट के लिए, और अभी अच्छे से फूल गया है बढ़िया से। इसे हम अच्छे से साफ़ कर लिए हैं धो कर के अच्छे से, इसमें से जो भी गंदा रहता है सब चून चान के हटा दिए हैं। और अब हम इसमें लेंगे, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रखेंगे, और अब हम इसमें ये कटा हुआ प्याज डाल देंगे। ये बहुत ही जल्दी से बनने वाली रेसिपी है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। और अब हम इसी में डाल देंगे, देखिए ये लहसुन अदरक हरा मिर्च खड़ा जीरा और खड़ा गोल मिर्च का ये पेस्ट है। तो इसका ये पेस्ट बहुत ही अच्छा तैयार होता है, तो इसे आप ज़रूर, हम इसे 2 चम्मच के करीब डाल रहे हैं। हमें अलग से कोई मसाला नहीं डालना है, हम सारे मसाले हम एक साथ इसमें डाल रहे हैं। और अब हम इसमें डालेंगे तीखा लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे कम या ज़्यादा, तो हम 1 चम्मच ले रहे हैं। अब हम ले रहे हैं धनिया पाउडर 1 चम्मच, ये भी है और ये घर का रोस्ट किया हुआ धनिया पाउडर है, घर का बनाया हुआ है, तो इसका खुशबू बहुत ही अच्छा आता है, आप इसे ज़रूर डालें। और देखिए 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। हमें मसाले एक बार में ही यूज़ करना है सभी कुछ। अब हम ये गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं 1/2 चम्मच के करीब, इसे भी हम अभी ही डाल देंगे। एक चुटकी हींग है, ये भी हम डाल रहे हैं अभी। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब दही है, खट्टा दही हो या मीठा दही हो कोई भी दही चलेगा, लेकिन 1 चम्मच हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना क्वांटिटी में हम 1 चम्मच ही दही डालेंगे, जो हमारे घर का चम्मच होता है उससे हम 1 चम्मच दही डाल रहे हैं। अब हम अंदाज से स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और सभी चीज़ें तैयार होने के बाद हम लोग लास्ट में धनिया पत्ता डालेंगे, जब हमारा सब्ज़ी तैयार हो जाएगा तब। नमक भी हम अभी ही डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम इसे मिक्स कर दे रहे हैं, अच्छे से इसे हमें मिक्स कर देना है। हमें कुछ प्याज व्याज या लहसुन ये सब कुछ भी हमें बाद में नहीं ऐड करना है। ये बहुत ही जल्दी से बन जाता है सब्ज़ी, आप इसे मैरिनेट करके रख करके आप दूसरा काम आराम से करें। हमें इसे 20 से 25 मिनट हमें इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि प्याज व्याज सब इसमें अच्छा से मिक्स हो जाए, पानी छोड़ दे अपना, और मसाला भी हमारा इसमें अच्छा से फूल जाएगा बढ़िया से। तो देखिए इस तरह से हम ये चना में सारा प्याज और मसाला मिक्स कर लिए हैं अच्छे से, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। आप एक बार ज़रूर इस तरह से बना करके चना का सब्ज़ी बना के ट्राई करें, उसके बाद आप कोई बाद में फ्राई व्राई करने का झंझट नहीं कीजिएगा, इसी तरह से आप बनाएंगे, बहुत ही अच्छा बनता है इस तरह से बनाने पर ये सब्ज़ी। देखिए इस तरह से हम अच्छे से इसे मिक्स कर दिए हैं, और अब हम इसे ढक करके 20 से 25 मिनट छोड़ देंगे। 5-10 मिनट आगे पीछे भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप जल्दी, आपको टाइम नहीं है ज़्यादा एक्स्ट्रा, तो कम से कम 10-15 मिनट भी इसे आप छोड़ दें, कुछ और काम करें अपना, कुछ और तैयारी कर ले। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, अब हम इसे ढक करके छोड़ देते हैं 20 से 25 मिनट के लिए। देखिए हमें चना को मैरिनेट किए हुए 25 से 30 मिनट हो गया है, और इस बीच में हम अच्छे से रोटी भी बना लिए, चावल भी बना लिए हैं, दाल भी बना लिए हैं, मेरा काफ़ी टाइम बच गया है। और अब हम एक कुकर चढ़ा दिए हैं, और इसमें देखिए 2 चम्मच सरसों तेल हम डाले हैं जो कि गर्म हो रहा है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा 1/2 चम्मच के करीब खड़ा जीरा, दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज़पत्ता। हम इसमें कोई गरम मसाला नहीं डाल रहे हैं, कुछ नहीं डाल रहे हैं खड़ा गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला पाउडर हम इसमें यूज़ किए हैं, और बिना डाले ही बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आप डालना चाहते हैं
तो ज़रूर डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा ही बनेगा। तो अब हम इसमें देखिए जीरा चटक गया है, देखिए हम चना को अच्छे से मिक्स कर दिए हैं और अभी मीडियम फ्लेम पर है, गैस का फ्लेम मीडियम पर है, मीडियम टू लो करके ही हमें इसे पकाना है। अगर आपको जल्दी है, आप बराबर इसको देख सकते हैं, तो इसे चलाते रहना है और मीडियम टू हाई भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हाई पे नहीं रखना है क्योंकि हमें प्याज को अच्छे से गलाना है। और इसे अभी हम भी प्रेशर बंद नहीं करेंगे, अभी हम इसे ओपन ही मतलब कि ढक्कन इस पर ढक करके और बिना प्रेशर लगाए ही हमें ढक्कन कवर करके इसे हमें पकाना है, जब तक कि प्याज अच्छे से गल ना जाए और तेल सेपरेट ना हो जाए। और इसे हम बराबर चलाते रहेंगे, नहीं तो तली में चना चिपक जाएगा मसाला, तो हमें जलाना नहीं है। अच्छे से चलाते हुए हमें इसे प्याज को गलाना है और पकाएंगे। अब हम इसे ढक्कन ऊपर से रख देते हैं। देखिए इस तरह से हम एक प्लेट से ढक दिए हैं, इसी तरह से हमें ढकना है। ये चना हमारा बहुत ही अच्छे से पक रहा है और प्याज भी अच्छे से गल रहा है, पानी इसका रिलीज हो रहा है प्याज का, लेकिन हमें इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, नहीं तो ये कुकर में चिपकने लगेगा इसका मसाला। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे, ये मसाला वाला जो पानी है उसे हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं और इसे प्याज हमारा गल गया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर दे रहे हैं ग्रेवी के अनुसार, पानी थोड़ा हम ज़्यादा डालेंगे, हम एक गिलास के करीब पानी डाले हैं और इसे मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो अभी धनिया पत्ता डाल सकते हैं, नहीं तो लास्ट में डालें। और इसे हम प्रेशर आने देंगे, हम इसे प्रेशर बंद कर दे रहे हैं। शुरू में हम इसे गैस का फ्लेम मीडियम पर रखेंगे और एक सीटी आएगा तो उसे हम थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि चना हार्ड होता है, वो गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो 5-6 सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे। चलिए कवर कर देते हैं अभी से हम। देखिए चना का सब्जी बनके हमारा रेडी हो गया है, एक बार सीटी आया, दो बार सीटी आने के बाद हम उसे कम कर दिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दिए थे। और इसके बाद देखिए 5-6 सीटी आया, उसके बाद हम इसे बंद कर दिए, खुद से प्रेशर निकला है। तो हम इसे अब खोले हैं ढक्कन और देखिए इसे हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। प्याज भी हमारा बहुत ही अच्छे से गल गया है, बिल्कुल आपको नॉनवेज जैसा लग रहा होगा और खाने में तो बिल्कुल इतना लाजवाब है कि क्या बताएं। आप खुद बना करके टेस्ट करके देखिएगा, आप पुराने तरीके भूल जाएंगे बनाना, कभी नहीं बनाएंगे पुराने तरीके से चना का सब्जी। इस तरह से आप जरूर बनाइए और तारीफ़ पाइए, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनता है इस तरह से। देखिए कितना प्यारा लग रहा है इसका थिकनेस, इस तरह से हम सब्जी बॉल में निकाल देते हैं। तेज पत्ता हटा दें, कितना सुंदर चना का सब्जी बना है, देखिए यम्मी यम्मी, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसे ग्रेवी में भी धनिया पत्ता डाल सकते हैं और ऊपर से भी डाल सकते हैं, आपको जैसे पसंद वैसे आप धनिया पत्ता डाल सकते हैं। देखिए बहुत ही टेस्टी बना है चना का सब्जी, आप एक बार ज़रूर इस तरह से बना करके ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कैसा लगा हमारा रेसिपी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।